नमस्कार, अनादि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़ी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की बड़ी खबर के साथ, जहां पर यूपी कैबिनेट की एक अहम बैठक आज होने वाली है। आपको बता दें कि आज लोक भवन में कैबिनेट बैठक होगी, जहां कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाले है और देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। अब इसे साधने के लिए कहीं ना कहीं ये जो कैबिनेट बैठक है वो काफी खास है, क्योंकि कई सारे ऐसे प्रस्ताव लाए जाएंगे जिस पर मुहर लग सकती है और ऐसे में जो आम जनता है उसे इससे फायदा भी हो सकता है। और इसी के मद्देनजर यूपी कैबिनेट की ये अहम बैठक आज होने वाली है, जिसमें कई सारे कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। और आज लोक भवन में ये कैबिनेट बैठक होगी, जहां कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। देखिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक अपने आप में काफी खास है, क्योंकि कई सारे ऐसे प्रस्ताव है जिससे उत्तर प्रदेश की जनता को लुभाने के लिए प्रयास किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता अमरेंद्र प्रताप जुड़ गए। अमरेंद्र, यूपी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक कितनी खास है, क्योंकि माना जा रहा है कि कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिस पर मुहर भी लग सकती है। कौन कौन से वो प्रस्ताव हो सकते हैं? बिल्कुल अनुपम, देखिए आज 11:30 बजे से कैबिनेट बैठक होगी जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में अयोध्या को लेकर कुछ खास फैसले आने वाले हैं। जानकारी मिल रही है कि जैसा कि तैयारी है, जनवरी माह में अयोध्या में प्रभु श्रीराम के निर्माणाधीन मंदिर जो है उसके निर्माण के प्रथम भाग का जो है लोकार्पण कर दिया जाए, उसे आम जनता के लिए खोल दिया जाए। और इसी के मद्देनजर अयोध्या में चौमुखी विकास जो हो रहा है उसको लेकर के कुछ फैसला इसमें किया जा सकता है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर कई अहम फैसले इसमें आ सकते हैं। कहा जा रहा है कृषि को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, सड़क निर्माण को लेकर और इसी तरह बुंदेलखंड क्षेत्र और पूर्वांचल क्षेत्र के विकास को लेकर के भी कुछ अहम बिंदु इसमें आ सकते हैं। फिलहाल पूरी जानकारी बहुत जल्द सामने आने वाली है, लेकिन योगी सरकार की मंत्रिमंडल की आज होने वाली, मंगलवार को होने वाली ये बैठक, क्योंकि विधानसभा सत्र से ठीक पहले है, इसलिए इसको बेहद अहम माना जा रहा है। और कहा जा रहा है इस बैठक में ढेर सारे बड़े और ढेर सारे अहम फैसले लिए जा सकते हैं जी। तो बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कौन कौन से मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है और साथ ही कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव है जिस पर मुहर लग सकती है। लेकिन ये कैबिनेट बैठक स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर काफी खास मानी जा सकती है। अमरेंद्र, आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो यूपी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है और करीब 11:30 बजे ये बैठक होगी, और जिसमें कहा जा रहा है कि कई सारे ऐसे प्रस्ताव है जिस पर मुहर कैबिनेट मंत्री लगा सकते हैं।